बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त जो मैं हर बार करता हूँ, इमरान रियाज खान के लिए आवाज़ उठाइए। ये आपका फ़र्ज़ है, ये उसका हक़ है और ये फ़र्ज़ आपको अदा करना है, उसे उसका यह हक़ देना है, मुझे, आपको, हम सबको। अलग न्यूज़ ALAG आप मेरी दरख्वास्त पर सब्सक्राइब कर रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। कीप अप द सपोर्ट, ये बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद आ जाइए इस वीडियो के मौजूआत की जानिब। मैंने इस वीडियो के थंबनेल में जो लिखा हुआ है उसमें है MQM का एक बड़ा नाम, PP में शमूलियत को तैयार। ये ख़बर बड़ी तहलका खेज़ ख़बर है, एक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सफ़े अव्वल के नामों में एक नाम, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत को तैयार है, ये ख़बर आ रही है। ख़बर ये भी आ रही है कि इस रहनुमा से आसिफ अली जरदारी साहब की हमशीरा ने, बिलावल भुट्टो जरदारी की पप्पो ने, अदी फरियाल टालपुर साहिबा ने मुलाकात की है। और इसके अलावा जब इस ख़बर के सिलसिले में राबते की ये बातचीत की मुख्तलिफ लोगों से कुछ मालूमात लेने के लिए, सहाफ़ी दोस्तों से भी और सोर्सेज दोनों तरफ जो हैं उनसे भी, तो एक चीज़ का और अंदाज़ा हो रहा है। मैं गुज़श्ता कुछ दिनों में आपको बता रहा था कि सिंध में हाथ डाला जाने वाला है सिस्टम जो है उस पर भी, और सिंध में एक रगड़ा और लगने वाला है, बल्कि रगड़ा लगना शुरू हो चुका है, उस रगड़े के नतीजे में चीखें भी सुनाई दे रही हैं, तो इसकी भी बात करेंगे। पीपल्स पार्टी वालों के कहा यह जा रहा है कि बुरे दिन शुरू हो गए हैं। पहले बात हो जाए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के उस रहनुमा की जो मुमकिन तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार करने जा रहा है। बात हो रही है मुस्तफ़ा कमाल साहब की। खबर यह है, और ये मैं कह रहा हूँ मुबैना तौर पर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने फरियाल टालपुर साहिबा से मुलाकात की है, और इसके नतीजे में ये दावा किया जा रहा है। मैं अभी इस ख़बर के हवाले से क्या कह रहा हूँ कि दावा किया जा रहा है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं वो कल इतवार के रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अब माजरा क्या है? माजरा यह है कि फारूक सत्तार साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होना थी, वो मुलतवी हो गई। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो रिसेंटली कराची में एक हुए, इन धड़ों में अंदर बड़ी लड़ाई है। पाकिस्तान हाउस है मुस्तफ़ा कमाल साहब का, जो पहले PSP थी। बहादुराबाद का मरकज़ है जो खालिद मकबूल सिद्दीकी का, उनके दोस्तों का है। फिर फारूक सत्तार साहब का PIB का मरकज़ है, और एक कराची में, कोई इनकार करे, इकरार करे, माने ना माने, कराची में एक बहुत बड़ी हकीकत है अब भी, MQM लंदन, अल्ताफ हुसैन साहब का ग्रुप। इसके अलावा भी कराची में बड़ी ज़मीनी हकीकतें हैं, लेकिन MQM की अगर बात कर रहे हैं तो MQM लंदन एक बड़ी हकीकत है। बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि अगर मसाइल ख़त्म हो जाए ना, प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएं, इजाज़त दे दी जाए, तो MQM लंदन कराची की सबसे बड़ी हकीकत है। कराची की सबसे बड़ी हकीकत MQM लंदन है। हेलो खुल जाए तो सबसे बड़ी हकीकत है। अब इससे आगे आ जाइए इस खबर की जानिब। खबर यह है कि एक लड़ाई हुई है खासी शदीद, और यह लड़ाई है MQM का, ये जो कराच पाकिस्तान का मौजूदा स्ट्रक्चर है इसको चलाने, इस पर कंट्रोल की लड़ाई। इस लड़ाई में एक जानिब हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, उनकी टीम, अनीस कायम खानी साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब बराबर हैं। आपको मुस्तफ़ा कमाल साहब मीडिया पर और डील करने वालों के सामने, कैमरों के सामने ऊपर नजर आते हैं, बराबर हैं। तो एक जानिब ये लोग हैं, दूसरी जानिब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और उनकी टीम है, जिसकी सरबराही जाहिर है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब करते हैं, फारूक सत्तार साहब हैं। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ये चाहते हैं कि इस जमात को जो चलाना है MQM पाकिस्तान को, वो उनके हाथ में हो, यानी कि अनीस कायम खानी साहब के हाथ में हो। ये मुस्तफ़ा कमाल साहब की ख्वाहिश है और ये कोशिश है। अब ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई में कंट्रोल की, इस लड़ाई में ये बाकायदा इंसाइडर्स बताते हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं उन्होंने शदीद तहफ़ुज़ात का इजहार किया है गुज़श्ता कुछ दिनों में होने वाली चीज़ों पर MQM पाकिस्तान से, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से भी, फारूक सत्तार साहब से भी। एक लड़ाई है, उस लड़ाई में सब कुछ हो रहा है, और इसमें जो गवर्नर सिंध हैं वो इन लोगों तक हिदायत पहुंचाते हैं और बताते हैं कि इनको साथ रहना है, ये अभी इन लोगों के लिए ज़रूरी है। गवर्नर सिंध क्या है? गवर्नर सिंध आपको याद है अब्दुल वसीम भाई का नाम था,
नसरीन बाजी का नाम था नसरीन जलील साहिबा का, और एमक्यूएम का कहना था हमारी तरफ से ये नाम है। फिर उसके बाद गवर्नर सिंध जो है वो कामरान टिसोरी बना दिए गए, और फिर एमक्यूएम ने कहा कि ये तो आरिफ अलवी साहब ने दस्तखत कर दिए, उन्होंने बना दिया है। यानी ऐसा सफदर समझा हुआ है कौम को, ऐसा सफदर समझा हुआ है कि उन्होंने कहा ये आरिफ अलवी साहब की तरफ से, हालांकि आरिफ अलवी साहब के पास समरी गई और चिड़िया बिठा दी जाए। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने फिर मान लिया कि इनके गवर्नर हैं, फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने गवर्नर हाउस जाके इनसे मुलाकातें करना, इनके साथ बैठना और इनके ज़रिए आगे काम पहुंचाना, बताना, मानना सब कुछ शुरू कर दिया। तो ये गवर्नर साहब हैं जो आपको याद है फारूक सत्तार साहब इनको लेकर आना चाहते थे, और एमक्यूएम पाकिस्तान इस बात पर फारूक सत्तार साहब से लड़ पड़ी थी। फिर यही गवर्नर साहब एमक्यूएम पाकिस्तान के गवर्नर बन गए और फारूक सत्तार अलहदा हो गए, फिर एक हो गए, एक कर दिए गए। अब मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं उन्होंने मुबैना तौर पर अपने पार्टी के लोगों को ये धमकी दी है कि मैं पीपल्स पार्टी में जा रहा हूँ। मेरी दोनों जानब के लोगों से बात हुई इस मामले पर ख़बर लेने के लिए अंदर की, तो साफ तौर पर ये बताया गया कि नहीं, ऐसा नहीं होने जा रहा। मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं वो अभी अपने लोगों को अगर ये धमकी दे रहे तो ये वो धमकी है जिसको वो लोग भी सीरियसली लेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मुस्तफ़ा कमाल। और एक लम्हे को कोई भी सोचे कि क्या मुस्तफ़ा कमाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चले जाएंगे तो अपनी सियासत को ऐसे तीली दिखा के ख़त्म कर दी, आग लगा दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्तफ़ा कमाल को ले ले तो कहाँ से, कहीं बदीन से, कहीं ठट्टा से, इसके आसपास किसी जगह से इलेक्शन लड़वाएगी, हैदराबाद से इलेक्शन लड़वाएगी मुस्तफ़ा कमाल को? मुस्तफ़ा कमाल को नहीं लड़वाया जा सकता ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तो ना मुस्तफ़ा कमाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में पीपल्स पार्टी को सूट करते, ना ये मुस्तफ़ा कमाल को सूट करता है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चले जाएँ। गो के ये विफाक में एक हैं, सिंध में ये एक दूसरे से अलग हैं और सिंध में इनकी लड़ाई चल रही है, ये भी एक अजीब कमाल है और ये बार बार होता है। एमक्यूएम तो करती है, और इस शहर के लोगों का बार बार एमक्यूएम ने उनका नाम लिया, उनके नाम पे वोट भी लिया, उनके नाम पे ये हुकूमत से अलहदा भी होते हैं, इनसे फैसले करवाए जाते हैं, और उसके बाद ये इस शहर के लोगों के लिए, हम हकूक के लिए आवाज़ उठाने वाले, ये फिर पार्टी बदल लेते। तो ये उन्होंने बार बार किया। बहरहाल अब की बार भी ये इसी तरह की लड़ाई है, इस ज़्यादा कुछ नहीं है। जो आपको सोशल मीडिया पे नज़र आ रहा है कि मुस्तफ़ा कमाल जा सकते हैं, ये नहीं होने जा रहा, और अगर ये हो जाए तो ये वर्स्ट होगा। अव्वल तो ये होने नहीं जा रहा जो मेरी खबर है उसके मुताबिक, लेकिन अगर एक लम्हे को मान भी लीजिए कि ये हो भी जाए तो ये वर्स्ट होगा। दूसरा मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इस वीडियो के मौजूआत में मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बुरे दिन शुरू हो रहे हैं, तो ख़बर यह है कि एक तो नाम तकरीबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी कंफर्म कर रहे हैं, अकलियती बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली एक अहम शख्सियत, उनका नाम, और उसके अलावा तीन नाम, एक जो भुट्टोस का गढ़ है वहाँ से एक नाम है, एक नाम सिंध के एक और साहिली शहर से है, और उस साहिली शहर से वो शख्सियत भी मुश्किल में है। उसके अलावा चार के करीब बहुत बड़े सरकारी बाबू जो हैं वो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं में नहीं लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम तरीन लोगों में शामिल कुछ लोग हैं जिनका नाम स्टॉप लिस्ट में गो के ना भी गया हो, ऑफिशियली ना भी गया हो, तो उनके बारे में इतला यह है, अहकाम ये हैं कि इनको मत जाने दिया जाए, मुल्क से बाहर ना जा पाएँ। तो वो हैं, एक नाम के बारे में कंफर्मेशन भी हो चुकी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने लोग इस बात को कंफर्म कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉप लिस्ट पब्लिसाइज नहीं होती इस तरह से, तो वो नाम मैं आपको अभी नहीं बता रहा। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले रो रहे हैं, जो सिस्टम पे हाथ डालने की बात हुई थी, सिस्टम के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले भी रो रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब से आ गया, IG पंजाब से आ गया, हमारे अफसरान बदले जा रहे हैं, इंतज़ामिया में हमारे खिलाफ हमारे मुखालफिन के लोग लगाए जा रहे हैं, हमारी तो इस वक्त बुरी हालत है, ये बता रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उस पर ख़ासा मुश्किल वक्त है। कराची, ये जो इस शहर में इकॉनमी है ना, आपको लगता है कि एमेजना रोड, IIT चुंदरीगढ़ रोड, ये कराची की, और ये जो साउथ है कराची की इकॉनमी के सबसे बड़े हब ये हैं, नहीं, कराची जो बाकी बहुत बड़ा है इन जगहों से, तमाम जगहों से बहुत बड़ा, उस कराची का जो पैसा है वो कहीं ज़्यादा है। तो उस कराची में ये जो कराची की इकॉनमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ये जो पान, छालिया, गुटखा, जर्दा, मावा, इस पे पाबंदी वगैरह लगी लेकिन उसके बावजूद भी ये धड़ल्ले से बिक रहा है, तो इसमें करोड़ों रुपए इधर उधर होते हैं परमिशंस में, आंखें बंद करने के मामलात में, तो इसमें हिस्सा है, इस पर हाथ डाला जा रहा है।
تیل کے معاملات ہیں اس پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، مختلف پروجیکٹس ہیں کنسٹرکشن کے، ان میں لوگوں نے حصہ لیا ہے، پرمیشنز دی ہیں، ان پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، تو اس لیے پریشانی ہے۔ اب یہ جو پریشانی ہے، اس پریشانی میں آپ نے دیکھا ہے 90 روز میں انتخابات، ورنہ یہ لوگ تو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں جا کے یس کر کے آ گئے تھے، لیکن اب 90 روز میں انتخابات کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ یہ پیغام رسانی ہے، یہ صرف پیغام رسانی ہے، یہ جو صدا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے، میری یہ معلومات نہیں ہیں، آخری بات، میرا یہ خیال ہے کہ بہت دیر ہو چکی ہے۔ اب آپ کو جو آثار نظر آ رہے ہیں رگڑے کے، مشکلات کے، رونے والے دنوں کے، اس کی ایک بڑی پکچر نظر آئے گی، پھر اس کے بعد یہ کس طرح سے مینیج کرتے ہیں وہ ایک الگ کام ہے، لیکن اس کی آپ کو ایک پکچر نظر آئے گی کہ یہ رونا دھونا اور بڑھے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔